नगर पालिका दतिया में अस्थायी रूप से दैनिक कर्मचारी नगर पालिका परिषद द्वारा काम देखने के लिए 140 कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का आरोप है कि आज दिनांक तक 3 वर्ष होने को है, हमारा पीएफ नहीं मिला। हम सभी लोगों ने अपने कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है, लेकिन आज दिनांक तक पीएफ नहीं मिला। इनमें 20 कर्मचारी सूचीबद्ध हैं, जो कोई कमी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है जो पीएफ कमिश्नर ऑफिस ग्वालियर से नगर पालिका परिषद दतिया हर माह की 27 तारीख को बाबू आते हैं। हर बार एक नया कर्मचारी आता है। कर्मचारियों का आरोप है बाबू 12 बजे आते हैं, 3 बजे चले जाते हैं। हर बार नया कर्मचारी आने पर जब तक पूरी बात बताते हैं, कर्मचारी बदल कर आ जाता है। इसी तरह 3 साल बीत गए, कई कर्मचारियों की स्थिति खराब है। ये हमारा पीएफ का मामला है। हमने जो है 2022 से हमारे सारे डॉक्यूमेंट पीएफ कार्यालय में जमा है, परंतु आज दिनांक तक हमारा कोई भी मतलब निराकरण नहीं हुआ। संबंधित व्यक्ति से मुलाकात की? सबसे बात की है, नगर पालिका ऑफिस में बाबू अधिकारियों से बात की, ग्वालियर भविष्य निधि कार्यालय में जाके 5-10 दफे होके आए हम लोग, लेकिन वहाँ से भी हमको संतुष्टि नहीं मिली। क्या कहा गया? ये कहा गया कि आप जाइए, आप इस सप्ताह आपका हो जाएगा, उस सप्ताह आपका हो जाएगा, बस ऐसे ऐसे करके 3 साल निकल गए। पीएफ को लेके कोई समस्याएं हैं और इस संबंध में ये निर्धारित हुआ है कि बुधवार तक या तो निर्णय हो जाएगा या तो फिर हम इनके बुधवार के बाद वरिष्ठ कार्यालय से बात करके निर्णय कराएंगे। कब तक का आश्वासन मिलेगा? अगले सप्ताह तक इसका निर्धारण कर दिया जाएगा। मैं अभी पधारे सभी आगंतुक जेडीएफ के संबंध में आए थे, जिनमें अधिकतर क्या बल्कि सभी डेट ऑफ बर्थ सुधार से रिलेशन थे। डेट ऑफ बर्थ सुधार में इनका जो था वो मेजर सुधार है। मेजर सुधार कैसा है, जैसे 5 साल या 3 साल से ऊपर की डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, और जब 3 साल या 5 साल से ऊपर की बर्थ डेट में अंतर रहता है तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगते हैं, है ना। जैसे कि डेट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ओरिजिनल स्कूल सर्टिफिकेट, और ऐसे करके पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सब इनको सबमिट करना होता है। तो क्या इन्होंने सम्मिलित नहीं किए थे? अब बहुत पुराने मामले बता रहे हैं जी, है ना, तो उसको मैं दिखवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उस पर ही काम कर रहा हूँ मैं। ये लगातार 3 साल पहले की बता रहे हैं कि 3 साल? नहीं जी, मैं पिछले महीने से इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उसको बाकायदा फॉलोअप ले रहा हूँ, और आगे जो भी सुधार होगा। लेकिन अभी इस बीच में हमारे जो सेंट्रल ऑफिस है, उन्होंने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, है ना। नई गाइडलाइन के थ्रू अब ऐसा हो गया कि ये काम एम्प्लॉयर को दे दिया गया है। एम्प्लॉयर ही अपने लॉगिन से एम्प्लॉयर पोर्टल पर जो भी सुधार है सुधार। लगातार 3 सालों से ये लोग परेशान हैं, और जैसा आपके द्वारा अभी कहा गया है थोड़ी देर, ऑनलाइन प्रक्रिया फिर से करना पड़ेगी, तो ये लगातार जितना ये चल, इसके संबंध में मैं अपने ऑफिस में बात करूंगा, है ना, फिर वो जो जैसा होगा उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी उन्होंने बताया कि आपके पास आश्वासन दिया गया, आपसे पहले जो अधिकारी रहे उनने भी आश्वासन दिया, आज आप भी आश्वासन दे रहे हैं। मैं आश्वासन नहीं दे रहा, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगा। आवेदन तो आपका फरवरी में आ गया था ना? हाँ, फरवरी में नहीं, अभी पिछले महीने आए मेरे पास। शासन द्वारा गाइडलाइन आई थी, वो आपने उनको मार्च अपडेट कराई थी आपने? मैं अपडेट करा रहा हूँ उनको। तो आई थी गाइडलाइन मार्च में आई है। इनके डॉक्यूमेंट वगैरह कब कंप्लीट थे? इनके जैसे ये बता रहे हैं तो 22 से बता रहे हैं। तो था ना? नहीं नहीं, लेकिन 22 में उन्होंने धीरे धीरे पुटअप किया है और उसको बाकायदा पत्राचार हुआ है। बात करने को तैयार हूँ उस ऑफिस में। कब तक इनका समस्या का निराकरण हो जाएगा? जल्द से जल्द रुक करने की कोशिश करेंगे, जैसे इनके तरफ से सहयोग मिलता है, वो एम्प्लॉयर पोर्टल पर ये करते हैं, उसके बाद कार्यालय में। पोर्टल पर तो उन्होंने सारी गलत डेट भरी हुई है, और डेट ऑफ बर्थ एक बहुत मेजर चीज़ है जिसके आधार पे पीएफ अपना पीएफ और पेंशन का डिसाइड होती है। सीधे तौर पे माना जाए कि इनको अगर ये प्रक्रिया करते हुए यहाँ तक जो पहुँचे हैं, इनको क्या दोबारा से यही प्रक्रिया? इसके संबंध में मैं और एक बार चर्चा करके बता सकता हूँ ऑफिस में, है ना। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।